तो एक ऐसी रहस्यमयकारी चीज मौजूद है जिसको देखकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यहाँ पर कुछ खंडर हैं, कुछ टूटे हुए मेहराब मौजूद हैं कि इसके चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। सन 1964 तक इस साइट पर एक गांव भी हुआ करता था। इसका इस्तेमाल इस जगह की रखवाली के लिए किया जाता था। इसके अंदर सभी डायरेक्शंस में जालीदार खिड़कियों वाला कुआ है। ये रानी के टाइम का ही है, राजा महाराजा के टाइम का। यहाँ पर रानियां प्राकृतिक स्नान करने के लिए आया करती थी। ये कुआ कोई आम कुआ नहीं है। इस कुएं के अंदर काफी लंबा चौड़ा रास्ता निकलता है। ये जो रास्ता है ये सीधा सरकार किसी भी व्यक्ति को इस संरचना के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पासना और आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को लेकर आई हूं दिल्ली के तालकटोरा गार्डन में मौजूदा एक पार्क कम मॉन्यूमेंट संरचना को दिखाने के लिए। ये जो संरचना है ये लोगों की पहुंच से काफी दूर है। ये जो संरचना है ये बहुत ही मतभेद भरी रहती है, क्योंकि विद्वानों का कहना है कि इस स्ट्रक्चर को आज से लगभग 300 साल पहले मुगल काल में मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा बनवाया गया था। लेकिन बहुत सारे विद्वानों का ये भी कहना है कि इस स्ट्रक्चर को आज से लगभग 700 साल पहले बनवाया गया था। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं वो आज मैं आप लोगों को इस स्ट्रक्चर को दिखाने के बाद बताऊंगी। रही बात दूसरी, वो ये कि 1737 में यहाँ पर एक ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी जो कि हुई थी मुगलों और मराठों के बीच। और ऐसा कहा जाता है कि इसी भूमि पर इस स्ट्रक्चर के ही सामने यहाँ पर मुगलों और मराठों की लड़ाई हुई थी, जिसमें मराठों ने मुगलों को बहुत बुरी तरीके से हराया था और ये जो पूरी संरचना थी इसको बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। तो वर्तमान में ये जो संरचना है, इस महल का जो हिस्सा है वो काफी टूट फूट रखता है। इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, मुगल काल का है या किस काल का है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में आपको देखने से पता लगेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और एंड तक देखने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ताल कटोरा। ताल यानी कि तालाब, कटोरा यानी कि कटोरे की आकृति। कहते हैं कि यहाँ पर किसी समय में एक तालाब या झील बनाई गई थी जो चारों तरफ से जंगलों से घिरी होने के कारण प्राकृतिक रूप से ही एक कटोरे जैसी आकृति की दिखाई पड़ती थी, जिसके चलते इस पार्क का नाम ताल कटोरा रखा गया था। जब हम इस तालकटोरा मैदान के अंदर आते हैं तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कुछ खंडर हैं, कुछ टूटे हुए मेहराब मौजूद हैं जो कहीं कहीं पर खड़े हैं या फिर बिखरे हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि ये किसी समय में एक बारादरी रही थी, जिसके कमरे आज भी मौजूद हैं पर उनके ऊपर छत नहीं है। जब हम बारादरी में मौजूदा कमरों के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें इनकी दीवारों पर दिखाई पड़ता है कि इनमें मुगल कालीन नक्काशी की गई है, और जिन ईंटों का इस बारादरी के अंदर इस्तेमाल किया गया है वो वही पतली लाखोरी ईंटें हैं जिनका हर एक मुगल कालीन इमारतों में इस्तेमाल किया गया है। ऐसा कहते हैं कि सन 1964 तक इस साइट पर एक गांव भी हुआ करता था, जिसे कभी तालकटोरा गांव के नाम से जाना जाता था। जब NDMC ने इस पूरे इलाके को दोबारा से विनिर्मित करके एक पूर्ण रूप से पार्क बनाया, तब उन लोगों को यहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। इस तालकटोरा मैदान के अंदर जो एकमात्र जीवित संरचनाएं मौजूद हैं, वो हैं दोनों छोर पर मौजूद दो मंजिला अष्टकोणीय छतरियां। ये जो गुंबद या छतरी आप देख पा रहे हैं, इसका इस्तेमाल इस जगह की रखवाली के लिए किया जाता था। इसके अंदर सभी डायरेक्शंस में जालीदार खिड़कियों वाले दरवाजे बनाए गए हैं, जहां से चारों तरफ निगरानी रखी जाती थी। इस गुंबद के जब हम ठीक नीचे की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसके चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। मुगल
तत्कालीन तालकटोरा तटबंध से जब हम थोड़ा दूरी आगे की ओर पैदल चलकर तालकटोरा गार्डन कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी रहस्यमयकारी चीज मौजूद है जिसको देखकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यहाँ पर मौजूद है एक मुगल कालीन कुआ जो कि एक नॉर्मल कुएं से लगभग 4 गुना बड़ा है। अगर मैं आप लोगों को उसका पैरामीटर दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुआ इसकी परिधि कितनी बड़ी है और ये आकार में कितना बड़ा है। और यहाँ पर पहले से ही एक काफ़ी पुराने टाइम का पेड़ भी मौजूद है जो इस कुएं के अंदर से ही निकलता है और इसकी ग्रोथ काफ़ी हो रखी है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो ये कुआ है ये रानी के टाइम का ही है, राजा महाराजा के टाइम का। यहाँ पर रानियाँ प्राकृतिक स्नान करने के लिए आया करती थी। और ये जो कुआ है इससे जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ये कुआ कोई आम कुआ नहीं है। इस कुएं के अंदर काफ़ी लंबा चौड़ा रास्ता निकलता है, एक सुरंग निकलती है जो आज के टाइम में इसकी फेंसिंग करने की वजह से इस कुएं के अंदर नीचे कोई नहीं जा सकता। लेकिन आज से पहले जब सरकार ने इसका कंस्ट्रक्शन का काम छेड़ा था तब उन लोगों को यहाँ पर वो सुरंग मिली थी जो आज भी मौजूद है और हम यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जैसे ही हम नीचे की ओर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक सुरंग यहाँ पर रास्ता दिखाई देगा। ये जो रास्ता है ये सीधा यमुना नदी की ओर जाकर निकलता है। यहाँ से राजा खुद को मतलब अपना बचाव करने के लिए अपनी सेना के साथ यहाँ से निकलते थे और रानियाँ यहाँ पर प्राकृतिक स्नान करने के लिए आया करती थी। मौजूदा कुआं और संपूर्ण तालकटोरा तटबंध तक सामान्य व्यक्तियों की पहुँच नहीं है। सरकार किसी भी व्यक्ति को इस संरचना के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती। आज की इस वीडियो के जरिए मैंने आप लोगों को इस तालकटोरा तटबंध के अंदर मौजूद जितने भी खंडर, बारादरी या महल के अवशेष और ये जो मुगल कालीन कुआ था वो सब दिखाने की कोशिश की है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लोगों तक शेयर करना।